नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआ अभिनय चौधरी ने कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक आयोजित करते हुए सभी से परिचय प्राप्त किया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जानने के साथ ही उनके समाधान पर सबके सुझाव लिए। वहीं उन्होंने नशेखोरी पर रोक लगाए जाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व अवैध नशे पर रोक लगाए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही क्षेत्रवासियों से यातायात का पालन करने के साथ ही नाबालिग को दोपहिया वाहन न चलाने के लिए आग्रह किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मीटिंग में लोगों को जागरूक करते हुए साइबर अपराध के बारे में समझाया। वहीं नशे के दुष्परिणामों को बारीकी से बताया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध रूप से कार्य करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए नशा मुक्त क्षेत्र का वातावरण किया जाए। लोग हैं उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम उनके साथ उनकी परेशानियों को सुन सकें और उनका हम निदान करने की कोशिश करें, और साथ ही उनको जैसे नशे के दुष्प्रभाव हैं, साइबर अपराध हैं, महिला संबंधी अपराध हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक भी किया गया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनको किस तरह के काम करने चाहिए। और साथ ही जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, कच्ची शराब बना रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जैसे कुछ शिकायतें भी आ रही हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं शहर में जो गैरकानूनी हैं, और कुछ हम सुझाव भी पब्लिक से डायरेक्ट आ रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए, तो उसको भी हम अमल में लाके और क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।